नमस्ते, वेलकम टू डे 24 ऑफ ऑनलाइन स्टोरी टेलिंग सीरीज। आज कहानी शुरू करने से पहले हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपको कोई मैसेज भेजना है किसी को, तो आप वो मैसेज कैसे भेजोगे? फोन से भेजोगे, व्हाट्सएप करोगे या ईमेल करोगे? ये तो हम आज कर सकते हैं, पर अब हम उस जमाने की बात करते हैं जब फोन नहीं हुआ करते थे, तो हम मैसेज कैसे भेजते? अब सोचो कि आप उस जमाने में बैठे हो जब फोन नहीं है, तो अब आप मैसेज कैसे भेजोगे? चिट्ठी लिखकर भेजोगे। अच्छा, तो आप मुझे बताओ, आपने कभी किसी को चिट्ठी लिखी है? अच्छा, ये चिट्ठी जब हम लिखकर पोस्ट कर देते हैं, तो ये चिट्ठी उन तक पहुंचती कैसे है? आओ, आज की कहानी में हम देखते हैं कि चिट्ठी पोस्ट ऑफिस से आगे कैसे जाती है। पर कहानी शुरू करने से पहले हम कुछ भूल रहे हैं, वो क्या है? वो है एक गीत। आओ, कहानी शुरू करने से पहले एक गीत करते हैं। एक चिट्ठी आई, क्या संदेश लाई, चिट्ठी में चिपके टिकट दो चार। एक चिट्ठी आई, क्या संदेश लाई, चिट्ठी में लिखी है बातें हजार। एक चिट्ठी आई, क्या संदेश लाई, चिट्ठी में लिखी बधाई हजार। एक चिट्ठी आई, क्या संदेश लाई, चिट्ठी में घुल गई है बातें और प्यार। एक चिट्ठी आई, क्या संदेश लाई। आपको कभी किसी ने चिट्ठी भेजी है? और उस चिट्ठी को पढ़कर आपको कैसा लगता है? तो आओ, आज हम एक कहानी पढ़ते हैं जिसका नाम है खत। तो आज की हमारी कहानी का नाम है खत, जिसे लिखा है सुमित पाटिल ने और चित्र बनाए हैं रूपाली बरगे ने। इस कहानी को एकलव्य और क्वेस्ट ने मिलकर छापा है। आओ, अब हम कहानी पढ़ते हैं। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? हाँ, एक लड़की एक चिट्ठी भेज रही है। ये चिट्ठी किसको भेज रही होगी? आप किसको भेजते चिट्ठी? अगर आपको भेजनी होती तो आप किसे भेजते चिट्ठी? आओ देखते हैं ये लड़की किसे चिट्ठी भेज रही है। अपूर्वा के दादाजी का जन्मदिन करीब था। उसने दद्दू को एक खत लिखा। खत में फूलों के सुंदर चित्र बनाए, फिर खत लिफाफे के अंदर रखा और दद्दू के घर का पता लिखा। लिफाफे पर डाक टिकट चिपकाई और मजे में लिफाफे पर दो आंखें और एक मुंह बनाया। देखो, अपूर्वा ने अपने दद्दू के लिए एक खत लिखा है। अपूर्वा खत को घर से नजदीक के डाकघर के लेटर बॉक्स ले गई। उसने खत से कहा, दद्दू के घर जल्दी जाना है, नागपुर, ठीक है? ऐसा कहते हुए उसने खत लेटर बॉक्स में डाल दिया। ये क्या है? लेटर बॉक्स। आपने देखे हैं आपके आसपास लेटर बॉक्स? हाँ, तो अपूर्वा ने खत किस में डाला? लेटर बॉक्स में। लेटर बॉक्स में बहुत अंधेरा था। अपूर्वा का खत डर गया। वो बाकी खतों के ढेर के पीछे छिपकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद लेटर बॉक्स में थोड़ा उजाला आया। अपूर्वा के खत को दिखा कि पोस्टमैन चाचा ने लेटर बॉक्स का दरवाजा खोला है।
अपूर्वा का खत कहाँ पे है? ये रहा खत, बहुत डरा हुआ है क्योंकि बहुत अंधेरा है लेटर बॉक्स में। उन्होंने भीतर से खत निकालकर एक बोरी में भरना शुरू किया। इसे देखकर अपूर्वा के खत ने भी तुरंत एक छलांग लगाई और बोरी में घुस गया। बोरी को साइकिल पर रखकर पोस्टमैन चाचा चल दिए। वे डाकघर आ पहुंचे। उन्होंने सारे खत निकालकर एक टेबल पर रख दिए। फिर एक-एक खत को उठाकर उस पर मुहर लगाना शुरू किया। की आवाज करते हुए आखिरकार अपूर्वा के खत को भी उठाया। तो पोस्टमैन चाचा क्या कर रहे हैं अब? मोहर लगा रहे हैं। और वो मोहर क्यों लगा रहे हैं? ताकि उन्हें पता चले कि इस खत को कहाँ भेजना है। तो अपूर्वा ने सबसे पहले खत कहाँ डाला था? पोस्ट बॉक्स में। और पोस्ट बॉक्स में से उसे निकाल के कौन लेके आया? पोस्टमैन चाचा। और कहाँ पे लेके आ गए उसे? डाक घर में। और अब वह उस पर मोहर लगा रहे हैं। खत ने अपनी आंखें जमकर मीच ली और क्या पड़ा? एक डप, और फिर उसके माथे पर गोल मुहर उभर आई थी। मुहर लगाने के बाद पोस्टमैन चाचा ने अपूर्वा के खत को एक खंड में रख दिया। देखो, अपूर्वा के खत पर पोस्टमैन चाचा ने ये मोहर लगा दी है। उस खंड में काफी सारे खत थे। खत ने एक बड़े पैकेट से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? पैकेट ने जवाब दिया, नागपुर। अपूर्वा का खत बोल पड़ा, मैं भी नागपुर ही जा रहा हूं, अपूर्वा की दद्दू के पास। बड़ा पैकेट हंस पड़ा और बोला, अरे इस खंड के सभी खत नागपुर ही जा रहे हैं। वो पड़ोस वाले खंड के खत मुंबई, उस पार के खंड वाले खत सांगली जा रहे हैं। तो अब आपको पता चला कि पोस्टमैन चाचा ने मोहर लगाकर खत अलग खंड में क्यों रखे थे? क्योंकि वो सभी खत नागपुर जा रहे थे। लेकिन हम लोग नागपुर कैसे जाएंगे? अपूर्वा के खत ने पूछा। बड़े पैकेट ने जवाब देते हुए कहा, रेलगाड़ी से। देखो, हम सबको एक बड़ी बोरी में रखेंगे और वो बोरी नागपुर जाने वाली रेलगाड़ी में रख देंगे। बोरी में थोड़ा अंधेरा होता है, लेकिन तुम घबराना नहीं, सुबह होते होते हम नागपुर पहुंच जाएंगे। अब तुम इत्मीनान से सो जाओ। तो बड़े खत ने छोटे खत को कुछ समझाया कि तुम अंधेरे से डरना नहीं बोरी में। बड़े पैकेट की बात सुनकर अपूर्वा का खत गहरी नींद सो गया। बीच बीच में रेल के इंजन की सीटी से खत की नींद खुल रही थी। वो हौले से आंख खोलकर देख लेता था कि बड़ा पैकेट है ना, और फिर दोबारा सो जाता था। देखो, रेलगाड़ी में सभी खत जा रहे हैं। सुबह जब अपूर्वा के खत की नींद खुली तो वो बोरी से बाहर आ चुका था और सामने एक नए पोस्टमैन चाचा खड़े थे। वे खत को साइकिल पर बिठाकर अपूर्वा के दद्दू के घर ले गए।
देखो खत ये रहा, अभी भी खत थोड़ा सा डरा हुआ है। अपूर्वा के दद्दू खत देखकर खुश हुए। खत ने दद्दू से कहा, दद्दू मुझे अपूर्वा ने बताया कि आपका जन्मदिन है, इसलिए हैप्पी बर्थडे। और अपूर्वा का खत उसके दद्दू के पास पहुंच गया। तो ये थी कहानी खत। तो जब हम फोन करते हैं तब फोन सीधा मिल जाता है, व्हाट्सएप मैसेज भी फटाफट चला जाता है, पर आपने देखा खत को पहुंचने में पोस्ट ऑफिस से समय लगता है और वो कैसे जाता है। आप सब भी एक खत लिखना और आप जिसे चाहते हो उन्हें वो खत जरूर भेजना। तो आओ अब हम एक एक्टिविटी करते हैं। आज की एक्टिविटी में हम पॉपअप कार्ड बनाएंगे। अपूर्वा ने अपने दद्दू को खत भेजा था, अगर आप किसी को बर्थडे पे कार्ड देना चाहते हैं तो हम उसके लिए पॉपअप कार्ड बनाना समझेंगे। इसके लिए हमको दो शीट्स चाहिए, कलर शीट्स, क्रेयॉन कलर टू डेकोरेट द कार्ड, फेविकॉल, बिकॉज आई हैव दीज स्टिकर्स, सो आई एम यूजिंग दिस स्टिकर्स एंड टेप। इफ यू डोंट हैव इट्स कंप्लीटली फाइन। सीजर्स टू कट, मार्कर्स फॉर द आउटलाइनिंग एंड स्केल एंड पेंसिल। सो फर्स्ट इफ दिस इज गोइंग टू बी द आउटर शीट एंड दिस इज गोइंग टू बी द इनर शीट। सो इन दिस इनर शीट आई एम गोइंग टू मेक द पॉपअप आर्ट। सो जस्ट फोल्ड दिस शीट इन टू हाफ एंड नाउ we are making a cake on this sheet. So I have made outline just to tell you. So what we will do, we will take scale and measure it. So how we will measure it? Suppose I am taking a 6 centimeter here. So I am just going to outline it with the pencil, right? So the same length will be on the top also. So just measure it how much you want. So here I have taken 3.5 centimeter and we have to take the same length here also. So I am taking again 6 centimeter here and now join these two lines. Right? Now for the cake, if this side is slightly bigger, then we will make the other one little smaller because we are making the layered cake. So for this one was 6, so here I am going to take 4 centimeters. So just measure 4 centimeter here, then take a 3.5 centimeter height and again measure 4 centimeter and join it, right? Now it's a layered cake, so this layer will be smaller than this layer. So I will take maybe 3 centimeter here. So I'll mark 3 centimeter here. Again, 3.5 height and 3 centimeter here as well. And join it, right? So we have a cake, layered cake, something like this. Now what we will do, we have to cut in order to make a pop-up art. How we will cut? We have to cut along these lines only. Right? Don't cut this line or don't make any cut here also. We have to cut along these lines. Once you are done cutting these parts, what we will do, we will cut remaining sheet because we want this base sheet also to be visible. So just mark an outline here and cut this part also because we want our
base sheet also to be visible. Okay, so now what we will do, we will fold these parts along these lines. Make a fine crease, fold karke अच्छे से एक क्रीज बनानी है. अब जब आप अपने कार्ड को खोलेंगे तो आपका कार्ड कुछ इस तरीके से दिखेगा. यहां पर इस पार्ट को उठा के लिफ्ट दिस पार्ट एंड मेक अ फाइन क्रीज. इस पार्ट को उठा के वापस से एक बाहर लेना है और एक फाइन क्रीज बनानी है. Now close this, and when you close it, we will again make a crease here. So when you close it, make sure it all goes inside fully and make a crease here as well. Right? So when you open it, it will come something like this. Now what we will do, we will stick this sheet to the base sheet. So base sheet also you will fold it into half. Align both the centers and now you can stick this sheet onto the pink sheet. So this has become a layered cake. We will decorate the cake and then stick it, so it's easier for us to decorate here. You can decorate it using anything. I'm using crayons here, and you can use sketch colors, watercolors, or if you have any glitter and sticker, you can use that as well. So I'm using this marker for the candles. You can decorate it any way you want to, and you can stick tape. Also, if you have colored tapes, you can stick colored tapes around it. I am decorating it using crayons to show how you can decorate it, right? I have a glitter tape, so I'm using this glitter tape to decorate the side. I have just done something to give you idea to put stickers and color and tape. Now we are going to stick this sheet to our base sheet. So we'll put Fevicol here. Don't put Fevicol on this part. Now stick this card onto the base sheet. So this is our base sheet, and stick this card. And press it. Now when you open it, this is the pop-up card we have. Now you can write any message you want to write here. And you can make anything you want here. I'm just decorating my card with few more things. Right? So this is the birthday pop-up card. Like this, you can make other pop-up cards as well. I hope you enjoyed the activity today. Thank you so much.